स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जीवित पुत्रिका व्रत 2022 का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, और पारण के दिन हम लोग क्या बना करके खाते हैं और नहाए खाए में क्या खाना चाहिए, पूरे व्रत की विधि विधान आज मैं बताने वाली हूं अपने चैनल के माध्यम से। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। मिथिला में 17 तारीख को ही हम महिलाएं जो है जीवित पुत्रिका व्रत रख रही हैं। उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और 17 सितंबर 2022 यानी कि शनिवार को नहाए खाए होगा। 18 सितंबर 2022 को रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। व्रत की परंपरा के अनुसार सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है, लेकिन मिथिलांचल में जिनको बच्चा नहीं होता है तो वो छोटा जिंदा मछली निगल करके नहाए खाए से शुरुआत करते हैं। और कथाओं के अनुसार इस परंपरा के पीछे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में वर्णित चील और सियार का होना माना जाता है। और आज के दिन हम लोग पूजा करते हैं तो चीलों और सियारों की कथा भी सुनते हैं और इसको मिट्टी का हम लोग बना करके और चौकी पे इस तरह से पूजा भी करते हैं। और वहीं व्रत से पहले कुछ जगहों पे महिलाएं मड़ुआ के आटे की रोटियां और नोनी का साग के साथ जो है व्रत की शुरुआत करती है, और जिस समय से अष्टमी तिथि चढ़ती है उसी समय से यह व्रत करने की परंपरा है, नहीं तो इसका कोई फल नहीं मिलता है। साथ ही व्रत के पारण के बाद महिलाएँ जितिया के लाल रंग के गले में धागा में पहनती है। पूरे आज मैं व्रत की जो विधि है आज मैं बताने वाली हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और इसकी जो रेसिपी हम लोग जितिया में कौन कौन सी रेसिपी बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले नहाए खाए से मैं शुरुआत करती हूँ। तो सप्तमी के दिन नहाए खाए का नियम होता है, बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में हम लोग नहाए खाए करते हैं। इस दिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और महिलाएं सुबह सुबह उठ करके गंगा स्नान करती है और पूजा करती है। अगर आपके पास गंगा नदी नहीं है तो आप किसी भी जो है ना गंगा जल को भी आप पानी में मिलाकर स्नान कर सकती हैं। नहाए खाए भी दिन में एक ही बार करना होता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है और ख़ास करके पितरपक्ष के समय ही यह व्रत जो है होता है। नहाए खाए के दिन हम लोग नोनी का साग के पत्ते जो होते हैं ना उसको निगलते हैं। मड़ुआ की रोटी हम लोग ज़रूर खाते हैं इस दिन, और कहा जाता है कि जो भी सब्जियां होती है लत्ते और पत्ती वाली जो सब्जियां होती है तो उसको ही हम लोग पारण के दिन भी बनाते हैं, नहाए खाए के दिन भी बनाते हैं। और जितमाहन हम लोग ज़रूर बनाते हैं, बहुत लोग जो है ना सोने में बहुत डिजाइन करवा करके भी इसको गत करके रखा जाता है पूजा के पास। और यहाँ पर है झींगे के पत्ते भी बहुत ज़रूरी होते हैं इस व्रत में। कथा के बाद गले में जीवतिया बांधने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत में अगले दिन सूर्योदय तक हम लोग कुछ नहीं खाते और पीते हैं। अगले दिन दूध से व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में जिमूतवाहन देवता की पूजा की जाती है और कहानी में जिमूतवाहन देवता से जुड़ी है। इस व्रत की कहानी जिमूतवाहन जो गंधर्व राज थे और बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना राज आदि छोड़ दिया और वो पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए थे। वन में एक बार घूमते घूमते उन्हें नाग माता मिली। नाग माता विलाप कर रही थी। जिमूतवाहन ने उनके विलाप करने के कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया। समझौते के अनुसार वे प्रतिदिन एक नाग खाने के लिए देंगे और बदले में हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में आज उनके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जिमूतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे और जहाँ से गरुड़ अपना आहार उठाता है उन्होंने ऐसा ही किया। और गरुड़ ने जिमूतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ ने देखा
कि हमेशा की तरह नाक चिल्ला नहीं रहा है तो उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो गरुड़ ने कपड़ा हटाया, उसमें से जिमूतवाहन को सामने पाया। जिमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी। उसके बाद उसने जिमूतवाहन को छोड़ दिया और नागों को नाक खाने का वचन भी दिया। और ये पूजा करने के बाद ये जितमाहन है जिसे फिर गले में हम लोग धारण करते हैं और धागा जो चढ़ाते हैं तो अपने जो बच्चे होते हैं उनको पहनाते हैं पूजा करने के बाद। और अब तो सोने में बहुत तरह के डिज़ाइन वाले ये जितमाहन बनने लगे हैं, तो इसको पहले पूजा करके तब इसको गला में धारण किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है जीवित पुत्री का व्रत में। और पूजा के चौकी पर हम लोग चिल्लो स्यारो बना करके ही पूजा करते हैं। और मड़वा की रोटी और नोनी का साग हम लोग नहाए खा के दिन खाते हैं। और ये देखिए जितने भी लत्ती पत्ती वाले जितने भी झिंगनी होते हैं, और ये कुसी केराव की भी रेसिपी मेरे चैनल में है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये हम लोग पारन में बनाते हैं। 19 सितंबर को पारन किया जाएगा। सूर्योदय सुबह सूर्योदय के पूजा करने के बाद व्रत का पारन किया जाता है। इस दिन कई तरह की सब्जियाँ बनाई जाती है और विशेष भोजन हम लोग तैयार करते हैं अपने किचन में। तो ये सब की रेसिपी की वीडियो मैं मेरे चैनल पे आ गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं बोलूँगी, लिंक डाल देती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सबको जितिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके पुत्र और पुत्री दीर्घायु हो। और इसी के साथ कामना करती हूँ कि सबका व्रत अच्छे से हो और सब लोग इस व्रत को बहुत ही अच्छे मन से करें। और निर्जला व्रत रख करके हम लोग जो है ना ये व्रत बिल्कुल 3 दिन तक ये चलता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर बिहार और यूपी में। तो फिर से मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जितिया व्रत की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।